मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जातियों में मेहरा और माहेरा समुदाय को शामिल करने के संबंध में सदन में इस चर्चा में भाग लेने वाले हमारे सभी माननीय सदस्यगण सुलाता देव जी, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, कनक मेंडा रविंद्र कुमार जी, सुभाष चंद्र बोस जी, एम थंबी दुरई जी, विजय साय रेड्डी जी, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने समाज की सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के जो मेहरा माहेरा समुदाय के जो हमारे बंधु हैं, ये बिल जब लोकसभा से पारित होकर यहां पर आया, इस अवधि में छत्तीसगढ़ में इस समुदाय के बंधुओं के द्वारा लगातार संपर्क स्थापित किया जा रहा था, उनके द्वारा यह अपेक्षा की जा रही थी कि इसको राज्यसभा में शीघ्र सर्वानुमति से इसको पास कराया जाए, और जितने भी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया उनकी जो अभिव्यक्ति निकल के आई, जो प्रतिध्वनि निकल के आई, सभी की प्रतिध्वनि इस बिल के समर्थन में निकल के आई, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे छत्तीसगढ़ के बंधुओं के समर्थन में निकल के आई, मैं फिर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समता, समानता और समरसता और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय की अवधारणा का सोच है, इसको सही मायने में समाज के हमारे वर्ग के जो ऐसे बंधु हैं, उन बंधुओं के सामाजिक आर्थिक चैतिक उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, आवास के लिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पिछले 9 वर्षों में जो योजनाएं बनाई गई, उनको जमीनी धरातल पर उतारा गया, उसके परिणाम आज समाज में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के मन में एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है। अभी हमारे डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जो बोल रहे थे कि 60 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जिन लोगों ने राज किया, केवल दिवा स्वप्न दिखाने का काम किया, लेकिन सही मायने में उनके विकास के लिए जो योजनाएं बनना चाहिए थी, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो अवसर प्रदान किए जाने चाहिए थे, उस काम को आगे नहीं बढ़ाया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, चाहे वो नमस्ते स्कीम हो, चाहे वो वेंचर कैपिटल फंड की बात हो, चाहे कौशल विकास की बात हो, इन सभी के माध्यम से जहां उनके जीवन में सुगम्यता लाने के लिए, स्वावलंबन लाने के लिए इन योजनाओं को आगे बढ़ाया गया, वहीं पंचतीर्थों का निर्माण करा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए जो पंचतीर्थ हैं, पहली बार किसी देश के पंत प्रधान ने हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वो इंदौर में महू का उनकी जन्मस्थली हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय संग्रहालय हो, नागपुर की दीक्षा भूमि हो, मुंबई की चैत्य भूमि हो और लंदन की शिक्षा भूमि हो, इन पांचों स्थान पर जब अनुसूचित जाति वर्ग के बंधु जाते हैं, इन पंच तीर्थों का जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, बाबा साहब के जीवन का जब दर्शन का प्रत्यक्ष रूप से जब वो दर्शन करते हैं, तो तब उनको एहसास होता है कि 60 वर्ष तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे देश में जो समता, समानता, समरसता के संदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, सरकारों द्वारा डॉक्टर भीमराव जी को समाज के सामने जिस रूप में सामने लाया जाना चाहिए था, उसके प्रयास नहीं किए गए, उन प्रयासों को, परिणामों को सही मायने में समाज के सामने लाने का काम किसी के द्वारा किया गया तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और प्रधानमंत्री जी को सोच में जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दर्शन होते हैं, भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय का भी दर्शन होते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। भारत के विकास की अगर हम बात करें तो चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों की बात हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की बात हो, देश में बनने वाले विश्वविद्यालयों की बात हो, कॉलेज की बात हो, IIT की बात हो, उद्योग धंधे और कारखानों की बनाने की बात हो, अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति, अनुसूचित जाति वर्ग का बंधु हर स्थान पर न जाता है। गगनचुंबी इमारतों को बनाने में हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो स्वयं जब राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाता है तो सड़क के किनारे वो अपने टीन की छोटी सी झुग्गी बनाकर वो वहां पर रहते हैं,
लेकिन हम और आपको जाने के लिए सनसनाती हुई सड़कें बनना चाहिए, चमचमाती हुई सड़कें बनना चाहिए, दमदमाते हुए गगनचुंबी इमारतें बनना चाहिए। इनको बनाने का काम अगर कोई करता है तो हमारा अनुसूचित जाति समाज का मंत्री हमारा करता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10 में से 5वें स्थान पर पहुंची, इसमें हमारे अनुसूचित जाति समाज का बहुत बड़ा योगदान है। समाज जीवन के हर क्षेत्र में, सड़क से लेकर सफाई से लेकर सुरक्षा तक, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व वहां पर दिखाई देता है। उन्होंने अपने परिश्रम से, विश्वास से समाज में जो स्थान अर्जित किया, आज देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जब इन प्रयासों को आगे बढ़ाया गया तो आज अनुसूचित जाति वर्ग के मन में एक विश्वास का भाव पैदा हुआ कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अनुसूचित जाति की सूची में संशोधन करने के लिए हमारे सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया। हमारे उड़ीसा की हमारी बहन सुलाता देव जी ने कहा कि उड़ीसा की सरकार के द्वारा वहां कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा की गई थी, लेकिन आरजीआई के द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया और इस कारण से इसको निर्धारित प्रक्रियाओं के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया। हमारे वरिष्ठ सांसद लोकसभा में भी बरसों हमारे साथ में रहे हैं श्री एम थंबीदुरई जी ने तमिलनाडु राज्य सरकार से, और उन्होंने बोयर जाति के संबंध में बताया कि कर्नाटक में वो अलग स्थिति है, तमिलनाडु में अलग स्थिति है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु राज्य सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं आया है, और हमारे माननीय सांसद बहुत वरिष्ठ हैं। वायर कम्युनिटी आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। भारत सरकार ने किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए एक प्रक्रिया बनाई है, उसमें राज्य से, संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव आने के बाद आरजीआई को जाता है, आरजीआई जब सहमत होता है तो कमीशन को जाता है, कमीशन से के बाद फिर मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पास जाता है, और वहां से आने के बाद फिर सदन में बिल के रूप में लाया जाता है। तो तमिलनाडु से अगर इस तरह का कोई बिल आएगा तो आगे उस संबंध में ये सारी प्रक्रियाएं होने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा। 1989 में अविभाजित मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश ने वहां पर माहरा को महार, मेहरा और मेहर के परिवार के रूप में समावेश करने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश के द्वारा भेजा गया था, और 1992 में आरजीआई ने अविभाजित मध्य प्रदेश में माहरा जाति को शामिल करने के लिए सहमति भी दी। 2000 में मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ, 2002 में माहरा को मध्य प्रदेश के अनुसूचित जातियों की श्रेणी में संविधान अनुसूचित जाति आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत महार, मेहरा, मेहर के पर्याय के रूप में शामिल किया गया। लेकिन कुछ कारणों से छत्तीसगढ़ ने वहां की जो अनुसूचित जातियों की सूची में तदनुरूप संशोधन नहीं किया गया, क्योंकि द्वारा उस समय प्रस्ताव नहीं भेजा गया था। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के महार, मेहरा, मेहर के पर्याय के रूप में माहरा और मेहरा को शामिल करने का प्रस्ताव किया। मध्य प्रदेश में माहरा को अनुसूचित जाति श्रेणी में पहले ही शामिल कर लिया गया था, तथा माहरा एवं मेहरा मामूली वर्तनी भिन्नता है, छोटी सी मात्रा की भिन्नता है, और इसी कारण से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने दिनांक 3/6/2021 और 28/1/2022 के पत्रों के द्वारा अनुशंसा करके राज्य की महार, मेहरा और मेहर के साथ में क्रमांक 33 पर मेहरा और माहरा को पर्याय के रूप में शामिल करने के लिए जो प्रस्ताव भेजा, जिसका आरजीआई ने और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने समर्थन किया, इस पर संबंधित मंत्रालयों के द्वारा भी और अनापत्ति दी गई, और इसके उपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से सदन में पहले लोकसभा में लाया गया, वहां पर सर्वसम्मति से पारित हुआ, और आज भी सभी माननीय सदस्यों के द्वारा इसको समर्थन दिया गया है। जो हमारे दोनों हमारे मेहरा और माहरा के लगभग 2 लाख की आबादी है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बुनाई और कोटवारी का काम करते हैं, एक बहुत बड़ी संख्या उनकी है जिनको कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल होने पर उनको राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, शिक्षा में उनको अधिकार मिलेंगे, वेंचर कैपिटल फंड से कम ब्याज पर लोन लेकर वो अपने उद्यम भी लगा सकेंगे, उनको केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की सारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। और इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित कराने में अपना सहयोग दें।